हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अचार की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में और आप तुरंत बना सकते हैं, तुरंत खा सकते हैं, कोई गलाने का झंझट नहीं। तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए, इतना टेस्टी अचार, खाने में लगता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। तो चलिए, अगर आप ये रेसिपी पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम बनाना शुरू कर लेते हैं। हमने ले लिए हैं इस तरह के आंवले, ये छोटे साइज़ के आंवले हैं, अगर आपको बड़े साइज़ के आंवले मिल जाते हैं तो भी अच्छा। तो आंवलों को मैंने अच्छे से धो लिया था, साफ़ कर लिया था और उसे सुखा लिया था, क्योंकि आंवले में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, पानी अगर थोड़ा सा भी रह जाता तो अचार ख़राब हो जाता है। तो आप पहले अच्छे से साफ़ करके पोंछ ले इसको, पानी बिल्कुल भी ना रहने दें। तो चलिए, आंवले तो मैंने तैयार करके पहले रख लिए थे और ये मैंने 14 से 15 के पीस लिए हैं, के करीब पीस हैं। अब हम पहले कढ़ाई रख देंगे गैस पर, गैस बिल्कुल धीमा रखना है आपको। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ मैंने सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल किया है, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसी में हम डाल देंगे सारे आंवले। आंवले डाल देने के बाद में हमें इसे अच्छे से ढक देना है। तो मैंने सारे आंवले एक साथ डाल दिए हैं और इसी पर हम लगा देंगे ढक्कन। आँच आपको धीमी ही रखना है और इसे धीमी आँच में हम पकने देते हैं। जब तक आंवले हो रहे हैं, जब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 से 250 ग्राम के करीब मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया और इसे मैंने गर्म करने रख दिया है। अगर आप सरसों का तेल ले रहे हो तो उसको आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, जब तक धुआं नहीं निकलता तेल में से, जब तक आपको सरसों का तेल को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गैस बंद कर देना। लेकिन अगर आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसे अच्छे से गर्म हो जाने देना है, उसके बाद आपको गैस बंद कर देना है। तो ये देखिए, मैंने गैस बंद कर दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसे हम ठंडा होने देते हैं, जब तक आंवले पकेंगे जब तक तेल हल्का कुनकुना हो जाएगा। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आंवलों पे पहले ढक्कन हटा के देख लेंगे हम और इसे एक बार चला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक बार इसको मिक्स कर देते हैं और इसे वापस से ढक देंगे। अभी आंवले थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इसे हम फिर से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं। इस समय हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब पानी। तो इतना पानी इसमें डाल देना है और इसे वापस से ढक देना है। ढक देने के बाद थोड़ी बाद हम फिर से मिक्स कर देते हैं इसको, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, आंवले अच्छे से पक गए हैं। इस तरह से आप चम्मच से दबा के आंवला देख ले तो इसकी कलियाँ इस तरह से निकल जाएंगी, मतलब आंवले अच्छे से पक गए हैं। और अब हम गैस बंद कर देंगे और जो भी पानी था वो भी सारा सूख गया है। तो आंवले जब थोड़े ठंडे हो जाएँ उसके बाद ही आप इसे अलग करें, वरना आपके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि आंवले बहुत गर्म है। तो इस तरह से सारे आंवलों के आप बीजे निकाल लें और बीजे निकालने के बाद इसकी सारी कलियां अलग अलग करके रख लें। तो इस तरह से सारे आंवले बना के आप तैयार करके पहले रख लेंगे, पहले सारे बीजे निकाल लेंगे आंवले में से। तो इस तरह से आंवले बन के तैयार हो जाएंगे। इसमें हम ले रहे हैं इंस्टेंट मसाला। तो मैंने यहाँ पांचल का अचार मसाला का इस्तेमाल किया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जितना मसाला हमें लगेगा उतना मसाला हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इस चम्मच से 5 चम्मच के करीब अचार मसाला। आप कोई से भी ब्रांड का अचार मसाला ले सकते हैं या आप घर पे जो मसाला बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट रेसिपी है इसलिए मैंने मार्केट का अचार का मसाले का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ 5 चम्मच मसाला ले लिया है, या आप कम ज़्यादा मसाला ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए या कम मसाला चाहिए, वो क्वान्टिटी में आप मसाला अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसी में हम डाल देंगे अब तेल। तो यहाँ जितना तेल की ज़रूरत लगेगी उतना तेल डाल देंगे पहले हम। तो अभी इतना तेल डाल देना है कि सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए, क्योंकि आंवले भी हल्के से गर्म है और तेल भी हल्का सा गर्म है, तो मसाले इसमें पक जाएंगे। तो देखिए, इतना तेल अभी सफिशियंट है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं पहले और उसके बाद देख लेते, अगर तेल कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा तेल और मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, तेल भी अच्छा है इसमें। तो ये अचार बन के एकदम तैयार है। इसे इस तरह से आप निकाल लें या कांच की बर्नी में इसे भर के स्टोर करके रख लें। आप चाहे तो इसे बड़ी बर्नी में भर के रख दें और जो बचा हुआ तेल है वो भी इसमें डाल दें, तो अचार ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक बना रहेगा। अगर तेल में अचार डूबा रहेगा तो कभी भी अचार ख़राब नहीं होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है।